प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया का बढ़ाया है हौसला। खेल जगत से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर। प्रधानमंत्री मोदी और टीम इंडिया के खिलाड़ियों की अहमदाबाद में मुलाकात की तस्वीरें सामने आईं। दरअसल वर्ल्ड कप मुकाबले के बाद पीएम ड्रेसिंग रूम पहुंचे थे, जहां उन्होंने सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रोहित, कोहली और दूसरे खिलाड़ियों से बात की, साथ ही मोहम्मद शमी को गले लगाया और उनके शानदार प्रदर्शन की भी तारीफ की। वहीं खिलाड़ियों ने भी सभी का शुक्रिया अदा किया। वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी ने अपनी प्लेइंग 11 बनाई, जिसमें रोहित शर्मा को कप्तानी सौंपी गई। इस टीम को आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट नाम दिया गया है। रोहित के अलावा इसमें विराट कोहली, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी शामिल हैं। साथ ही इस प्लेइंग 11 में क्विंटन डिकॉक, मैक्सवेल और एडम जैम्पा को भी जगह दी गई है। फाइनल खेलने के बाद सभी भारतीय खिलाड़ी अपने घरों के लिए रवाना हो गए। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने अपने परिवारों के साथ अहमदाबाद से निकले। ये खिलाड़ी अब मुंबई पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया। इसमें शान मसूद की कप्तानी में 18 सदस्यों की टीम चुनी गई। ओपनर सईम अयूब को पहली बार पाकिस्तान की टेस्ट टीम में चुना गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 टेस्ट की सीरीज 14 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच खेली जाएगी। मेक्सिको के लियोन में 21वां इंटरनेशनल हॉट एयर बलून फेस्टिवल चल रहा है। यह खूबसूरत बलून वहां के आसमान पर छाए हुए हैं। वहीं इस हॉट एयर बलून फेस्टिवल के लिए प्रतियोगियों में भी काफी उत्साह दिख रहा है।